भारत का सिर है उत्तराखंड, और जब सिर सनातन से ऊंचा होगा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। मजा आया। हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं तैयार हो रही हूँ, इवन हम सब तैयार हो के हम कहीं जा रहे हैं। और बताओ मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं आज? आज का दिन बहुत सुबह है, बहुत सुबह है, स्पेशल है। हम परेड ग्राउंड जा रहे हैं। परेड ग्राउंड क्यों जा रहे हैं हम आज? हम बागेश्वर धाम में जा रहे हैं आज। वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी का धाम लग रहा है, हम बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। और विश्वास है हमें कि चाहे बालाजी धाम, जहाँ पर उनका धाम लग जाता है वही बालाजी का धाम हो जाता है। तो इसी को मान के हम बोल रहे हैं कि हम धाम में प्रवेश करें, इतना भी बहुत है। देखते हैं हमारा आज प्रचार लगता है कि नहीं। मम्मी ने तो कल रात से मन में वो करने पे लगी हुई, लिख के भी जा रही हूँ। ओ, बता दिया उन्हें। भाई हम निकल रहे हैं परेड ग्राउंड की तरफ, और भैया से बात हुई तो भैया बोल रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। कल यूपी से भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे हैं, लोग बोल रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा लोग आ गए वहाँ पे। देखते हैं, वहाँ पे पार्किंग की भी दिक्कत है, तो चलो जाते हैं और बताते हैं आपको। बैठ चुके सब गाड़ी, अब हम लोग जा रहे हैं। सुमित चला रहा है कार, हमने स्टार्ट कर दिया है चलना। देखते रहना अभी है। हम घर से निकल रहे हैं अभी टाइम की। तो भाई हम पहुंच चुके हैं परेड ग्राउंड में, और देख सकते हैं आप यहाँ पे है। और पब्लिक आ गई है, और सामने स्टेज भी लग चुका है, देख सकते हैं आप। ये अच्छा, यहाँ से अंदर ही है। ओके, चलो यहाँ बैठ जाइए। तो यहाँ पे चेकिंग भी हो रही थी सामने, यहाँ पे पास सिस्टम भी था, हमको मालूम नहीं था, कुछ पता नहीं चला, सब कुछ एकदम से हुआ। चलो अंदर जाके बताते हैं आपको बाकी चीज़ें। तो भाई देखिए आप कितनी भीड़ हो रखी है, और अभी लगभग 2 बज रहे होंगे और अभी से इतनी भीड़ हो गई है। हमारे साथ दूर का हुआ, हम पास लेके भी आए तभी हमें फिर से रोक दिया गया है कि अभी जब वहाँ से परमिशन मिलेगी तब हमें एंट्री मिलेगी। Few minutes later, पत्थर को प्रतीक्षा करते करते उनका वेट करते वो सैनिक इंतजार में, सेवा को खाना पीना भी चल रहा है। राम के पत्थर को उठाकर के और पत्थर पर राम का नाम लिखकर समुद्र में डाल दें। कैसे शब्दों का चयन किया, इसी प्रकार से आप देखिए हनुमान जी। One eternity later. और जिस गुरुदेव भगवान का आप सभी सुबह से इंतजार कर रहे थे, गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है, और पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी का भी आगमन हो चुका है, और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी पावन मंच पर गुरुदेव भगवान के साथ पहुंच चुके हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। हम सबका परम सौभाग्य है, उत्तराखंड की पावन भूमि का परम सौभाग्य है। जय जय श्री राम। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की,
अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को बताया, गुरुदेव भगवान को आने में विलम्ब हुआ, किस कारण से विलम्ब हुआ, उसके लिए बागेश्वर धाम परिवार आप सभी से क्षमा चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। और हमारे बीच संत भगवान का आगमन हो चुका है, संत भगवान हमारे बीच आ रहे हैं। अद्भुत सहयोग है कि उत्तराखंड की पावन धरा में, देव भूमि में संतों का समागम, संत भगवान के दर्शन हम आप सभी।
नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि बहुत देर हो गई, चार पाँच बजे से शुरू होना था, 7 बज गए। नहीं, आपकी घड़ी गलत है, हमारे तो 7 ही बजे है, आपकी थोड़ा आगे चल रही है, नहीं लेट तो हो गया।
तो भाई मैं निकल चुका हूँ और रात के लगभग 9:30 हो चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से अब प्रेमनगर जाना था और कल घर भी जाना है। तो कुछ देर रहा मैं वहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से अब प्रेमनगर जाते हैं।